कभी पड़ोसियों के घर के आम के पेड़ से आम तोड़ने का एक ग्रुप बना होगा, यही गलियों में कभी सतोड़िया कभी गिल्ली डंडा खेला है, यही लोगों के बीच मैंने मेरे जीवन के काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, यही लोगों ने मुझे अपनी गोद में बड़ा किया है और आज यही लोग मुझे अपने कंधों पर बिठा के ये चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाया है। 2012 का पहला चुनाव मैंने यही क्षेत्र से लड़ा था। मैं आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार मानना चाहता हूँ। मात्र 27 साल की उम्र में मुझे पहली बार ये क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अवसर दिया था। तब कांग्रेस ने एक नारा बनाया था, विपक्ष के कई लोगों ने एक मजाक बना रखी थी मेरी। 2012 में ऐसा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बच्चे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाएगी। उस चुनाव में मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे गुजरात की 4th हाईएस्ट लीड से चुन के यहाँ से विधानसभा में सेवा करने के लिए भेजा और आज 2022 में मैं ये कह पा रहा हूँ कि ये चुनाव मैं नहीं, मेरे क्षेत्र के नागरिक ये चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मैं दो हाथ जोड़ के नमन करके उनके आशीर्वाद लेके आज मेरे परिवार के साथ मेरी माता के आशीर्वाद लिए, माँ अम्बा के आशीर्वाद लिए और मेरे क्षेत्र की माताओं की सेवा के लिए 2022 से 27 तक के चुनाव के वोट करने के लिए मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ आया था। लोकशाही का ये पर्व, इसको और जागरूक बनाना है। ये लोकशाही के पर्व को गुजरात की जनता ने आज सुबह पहले मतलब 7 बजे से ही गुजरात के हर एक गांव में, सौराष्ट्र से लेके दक्षिण गुजरात के हर एक गांव में काफ़ी भीड़ लगी है और लोगों ने तय कर लिया है कि गुजरात तोड़ने की हर चुनाव में कोशिश करने वाले लोगों को ये चुनाव में जवाब जरूर से देंगे, 27 साल के हमारे ये संबंध को और आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी के 20 साल के संघर्ष साहस को जिस प्रकार से यही गुजरात के नागरिकों ने एक टीम गुजरात के तौर पे आगे गुजरात को बढ़ाया है, इसी तरह से 2022 से 2027 के लिए गुजरात के नागरिक मोदी जी के साथ आगे निकल चुके हैं। आज गुजरात की जनता एक नया इतिहास बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। वो इतिहास होगा कि लोकशाही का ये पर्व इतिहास में पहली बार पूरे देश में राज्य के चुनावों में सबसे ज्यादा मतदान कैसे हो पाए, उसके लिए मैं गुजरात के नागरिकों को दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमें एक नया रिकॉर्ड बनाना है। और वो रिकॉर्ड क्या है? वो रिकॉर्ड हमारे संबंधों का जरूर से है, लेकिन ये लोकशाही के पर्व को और मजबूत बनाने के लिए हमें मतदान जरूर से करना है। गांव में एक भी बुजुर्ग मेरी माता मतदान का उनका जो हक है वो रह ना पाए। शहरों में मेरे सभी युवा भाई बहन अपने मतदान का जरूर से उपयोग करें। मैं आज देख पा रहा हूँ कि राज्य में गांवों से लेकर शहरों में युवा मतदार काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, लंबी कतारें लगी हुई है, सभी समाज के लोग साथ में मिलकर गुजरात के हित के लिए मतदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर सूरत फैक्टर का क्या बोलेंगे, आम आदमी पार्टी ने अपना एक पहला चुनाव रखा था जो म्युनिसिपैलिटी पोल से। देखिए 2012-2017 में भी ठीक इसी प्रकार के नारे कांग्रेस ने लगाए थे। इतने साल हो गए, लोगों में ये तकलीफ है, लोग में वो परेशानी है, हर चुनाव में नतीजों ने स्पष्ट कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का ये जो संबंध है, ये संबंध अविरत है और ये संबंध 2022 से 27 में और आगे बढ़ रहा है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात की जनता लड़ रही है, गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रही है और मैं ये स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि गुजरात की जनता पोलिंग मतलब वोटिंग में भी आज एक नया इतिहास बनाएगी और
भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशियों को आशीर्वाद में भी एक नया इतिहास बनाया। अच्छा, गुजरात के राजकारण में कभी भी तीसरा मोर्चा एंट्री नहीं ले पाए, इस बार सूरत से। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ भाई साहब, गुजरात की राजनीति में कांग्रेस ने इस प्रकार से तीसरे मोर्चे के साथ कहीं चुनाव लड़ने के प्रयास किए हैं। पहले गुजरात के ही कांग्रेस के एक नेता शंकर सिंह वाघेला जी के साथ, उसके बाद केशुभाई पटेल जी के साथ, इसी प्रकार से पहले भी कई बार प्रयास कांग्रेस ने इस प्रकार से किए हैं, लेकिन उन्हें सफलता कभी नहीं मिली है, क्योंकि गुजरात की जनता ये बहुत समझदार जनता है। गुजरात में हमारे वहाँ एक व्यवहार रहा है, एक संस्कार रहा है, अगर आप सुबह जाओगे तो चाय का पूछेंगे किसी भी घर में, दोपहर को जाओगे तो आपको खाने का जरूर पूछेंगे, घर में अगर दो रोटी बनी होगी ना तो भी हमारे वहाँ आए हुए मेहमान को एक रोटी खिलाने की हमारे संस्कार है। लेकिन ये गुजरात के नागरिकों की कोई गलती नहीं है कि मेहमान को हम अगर रोटी का पूछ ले और मेहमान ये मान ले कि ये घर मेरा है, तो ये गलती तो मेहमान की है। मेहमान को हम खाना जरूर से खिलाते हैं, लेकिन हमारा घर नहीं देते। हम बहुत ही इमोशनल लोग हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। कल गुजरात की जनता ने एक दृश्य देखे है, जिस राज्य से मेरे देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं, वो राज्य के युवा सेना सैनिकों की माताओं पे जिस प्रकार से कल लाठियां बरसाई है आम आदमी पार्टी सरकार ने, झूठ छुपाने के लिए जिस प्रकार से कोशिश की गई, वो हम सबने देखा है। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से पंजाब के लोग अपने हक के लिए जो वादे, जो बड़े बड़े वादे जो पंजाब चुनाव से पहले किए गए थे, वो वादे, वो हक के लिए जब मांगने के लिए पंजाब के नागरिक आगे बढ़ रहे हैं, तब जिस प्रकार से सरकार ने दमन किया, मेरी पंजाब की माताओं को, युवाओं पे लाठीचार्ज बरसाए, वो दृश्य गुजरात की जनता भूल नहीं सकती। ये झूठे लोगों को हम जरूर से सबक सिखाएंगे। पंजाब के लोग आज गली गलियों में जिस प्रकार से खून हो रहे हैं, जिस प्रकार से दिल्ली की यूनिवर्सिटी में वहाँ के शिक्षकों को पगार नहीं मिल रहे, ये देख के दिल्ली और पंजाब के लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं। वो सब लोग अपनी भूल को समझ सकते हैं, लेकिन गुजरात के नागरिक उन लोगों के साथ जिस प्रकार से धोखा हुआ है, वो धोखा का जवाब देने के लिए गुजरात के नागरिक तैयार हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की तो मैं क्या बात करूं, भारत जोड़ो है या भारत तोड़ो, वो तो आप राहुल गांधी को ही पूछ सकते हो। मुझे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे कई बार दया आती है। मैंने देखा जब राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा छोड़ के गुजरात तोड़ो यात्रा तरफ आगे आ रहे थे, तब कांग्रेस के गुजरात प्रदेश के कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मैंने वो चिंता नजर क्लियरली नजर आ रही थी। मैंने उनकी आंखों में जिस प्रकार का दुख था वो बहुत करीबी से देखा। मैं एयरपोर्ट पे मेरे कांग्रेस के कई मित्रों को जब मिला तो मैंने उनको पूछा कि ये देश तोड़ने वाली यात्रा छोड़ के गुजरात तोड़ने वाली कल सभाओं में आने वाले हैं। उन्होंने बोला, भाई साहब, हम लोग ग्राउंड लेवल पे इतने दिन से रात दिन मेहनत की, ये हमारी मेहनत का कल क्या होगा, ये तो अब भगवान ही तय करेंगे। तो कांग्रेस का भविष्य अब मात्र भगवान भरोसे है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा, उसमें एक खास सवाल, एक अंतिम सवाल मेरा।